हेलो। हाँ हेलो 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 छी हेलो हेलो छी इसलिए
आ गए। हेलो
ज्यादा बात नहीं करना चाहता तुमसे, बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को। मैं से छुटकारा बात है? उल्टी बात नहीं है ये, तुमने जिस तरह बांध रखा उसे अपने साथ। मैंने बांध रखा है उसे अपने साथ? आप किसी का बोल नहीं कह सकता ये बात, क्योंकि और कोई जानता भी तुम्हें उतना जितना मैं जानता हूँ उसे। आप हमेशा यही मानते आए ना कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं महेंद्रनाथ को। हाँ, और ये जानकर ही कहता हूँ कि तुमने जिस तरह उसे अपने शिकंजे में कस रखा है, वो अपने दो पैरों पर चलने के लायक भी नहीं रहा है। तो कभी थे भी उसके पास? कभी की बात क्यों करती हूँ, जब से उसे जानती हूँ, उससे 10 साल पहले से जानता हूँ मैं उसे। जरूर जानते होंगे, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। जैसे? जैसे, लेकिन बात तो आप करनी आई, कीजिए। नहीं कहो, पहले तुम ही बात कर लो। तो बेटे थोड़ी देर के लिए उधर जा। क्यों, सुनने दीजिए ना उसे भी, अगर मैं बात कर रही हूँ तो। ठीक है, यहीं रह तू। मैं चाहती हूँ तू यहाँ रहे तो किसी वजह से चाहती हूँ। कहने से पहले एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। एक आदमी किन हालातों में सिर्फ एक आदमी कहलाता है? कहो कुछ नहीं, बस कहती रहो। यूं तो जो कोई भी आदमी आदमी की तरह चलता है, बात करता है, वो आदमी ही कहलाता है। पर क्या आदमी होने के लिए जरूरी नहीं कि उसका अपना एक मादा हो, अपनी एक शख्सियत हो? महेंद्र को सामने रखकर तुम ये इसीलिए कह रही हो कि? मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है, हमेशा किसी न किसी का सहारा ढूंढने पाया है, खास तौर से आपका। मुझे ये करना चाहिए या नहीं, जुनेजा से पूछ लेती हूँ। मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं, जुनेजा से पूछ लेती हूँ। कोई छोटी सी छोटी चीज खरीदनी हो तो भी जुनेजा की सलाह से, कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाना हो तो भी जुनेजा की सलाह से। मुझे तो ये लगता है कि हमारे शादी करने का फैसला भी कैसे किया होगा उसने, जुनेजा की हम ही वजह से। वो मेरा दोस्त है, उसे भरोसा है मुझ पर। और उस भरोसे का नतीजा, उसे अपने ऊपर किसी चीज के लिए भरोसा नहीं रहा है। जिंदगी में हर चीज की कटौती जुनेजा, जुनेजा जो करता है, जुनेजा जो सोचता है, जुनेजा जो चाहता है, वही उसे भी कर रहा है, वही उसे भी सोच रहा है और वही उसे भी चाह रहा है। क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने में, और वो खुद पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। तुम इसे इस तरह से देख सकती हो, लेकिन इसकी असलियत ये नहीं है। पत्नी है, उसका घरबार है, पत्नी है,
पर उसे अपना कहने वालों को ये बात कभी रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या कर लिया, आपका आपसे ही कुछ छीन लिया गया। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र पहले की तरह दोस्तों में बैठकर खिलता नहीं, महेंद्र वो पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। पर महेंद्र भी जी जान से कोशिश करता रहा किसी तरह वो वही बना रहे, ताकि उसे कोई ये ना कह सके कि कैसे वो पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। दोस्तों को फुर्सत का वक्त काटने के लिए महेंद्र की जरूरत है। महेंद्र के बिना किसी पार्टी में मजा नहीं आता, महेंद्र के बिना कोई पिकनिक जमती नहीं। रोज रात वो घर आकर छटपटाता है, सर दीवार से पीटता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को फुर्सत का वक्त काटने का जो वसीला है वही महेंद्र के लिए मुख्य काम है जिंदगी में, पर उसका ही नहीं उसके घर वालों का भी वही मुख्य काम है। पला चका चलने से तुम इनकार कैसे कर सकती हो? पला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो? तुम्हें तो लोगों के बीच बैठने उठने की तमीज तक नहीं है। एक औरत ने ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे मुस्कुराना चाहिए। तुम मेरी पोजीशन खराब क्यों करती हो लोगों में? यही महेंद्र दोस्तों के बीच दबूसा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है, कब किसे नोच लेगा फाड़ खाएगा पता नहीं। आज वो ताप में आकर अपनी कमीज को आग लगा देता है, कल वो सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल बोल बोल, चलेगी उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ, मानेगी वो सब नहीं जैसे मैं कहता हूँ, पर सावित्री सावित्री वो सब नहीं मानती, वो सब नहीं कहती। सावित्री को एक पूरा आदमी चाहिए, पूरा आदमी। कभी इसी आदमी को वो आदमी बनाने की कोशिश करती है, कभी इसी से अपने को झटक कर दूर करना चाहती है, कभी इस आदमी में अगर बदलाव की गुंजाइश नजर आने लगती है तो दोस्तों के बीच इसका गम मनाया जाने लगता है। सावित्री महेंद्र के नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चलाना चाह रही है। सावित्री महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे चल सकने लायक नहीं छोड़ना चाहती, क्यों? जैसे वो कोई आदमी ना होकर बिना हाड़मास का पुतला हो। बेचारा महेंद्र, बेचारा महेंद्र, बेचारा महेंद्र। जो मेरा आँखी के पुतलिया नयन के रे लाल हो, रामा रामा चले भाई बेदसिया का घर, कैसे रहा भाई का घर, कैसे रहा भाई नो। बड़ा बड़ा शब्द पूरे दरिया को निकाल
प्रसन्न चीज यही कि वो चुप बिना कुछ और था, भयंकर नहीं था। जल्दी तुम्हें उसे पहचानना शुरू किया कि वो एक न्याय रोग है, सब इंसान हमेशा रोज तरह की बातें करता है। इसके बाद तुम्हारे सामने आया चेको ऊंचा समान समान के मिठास कर्ज की कन्या दी और देश को रहने वाला जो क्यों दूसरों के सख्त से सख्त बात एक खामोश मुस्कान के साथ अच्छा अच्छा वो ट्रांसफारों का यहाँ चला गया बड़ा जगमोहन के साथ
बात हुई तुम्हारी पूरी बातचीत का अंदाजा मैं सही सही लगा सकता। वो कल परसों फिर फोन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर छोड़ गया और तुम मन में घुटन लिए हुए घर में दाखिल ही हुई और तुमने आते हुए बच्चे को पीट दिया। जाते वक्त तुम्हारे सामने थी पूरी जिंदगी और लौटते वक्त का कुल हासिल ये उलझे हाथों का गिचगिचा पसीना। और मैंने आपसे कहा है ना बस सबके सब एक से है। मुखौटे अलग अलग है लेकिन चेहरा सबका एक ही है। तुम्हारा भी है तो कहते रहते किसी को मार कर कोई नहीं चलती इसीलिए बहुत कुछ देख कर भी कुछ संभव नहीं है। फिर से एक बार तुम्हें मैं पूछना चाहता हूं मैं तुम किसी तरह उसको छुटकारा नहीं दे सकती। Thank you.
बताया।